आप देख रहे हैं LT News 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नज़र। हिजाब हमारा हक है, मुसलमानों के खिलाफ दिन पे दिन नफरत बढ़ते जा रही है। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हिजाब पहने हुए थे उन्हें गवर्नमेंट PU कॉलेज कुंदापुर कर्नाटक में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई हिजाब पहनने के लिए। ये दूसरा कॉलेज है उडुपी जिले का जहाँ मुस्लिम खवातीन जो हिजाब पहने हुए हैं उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल रही है। एक ही महीने में ये दूसरा वाकया पेश आया हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटका में। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनने खवातीन स्टूडेंट्स को इजाज़त देने के खिलाफ हिंदू स्टूडेंट सैफ्रॉन शॉल पहनकर इंस्टीट्यूट आ रहे थे हिजाब के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, जिसके बाद 27 मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनकर इंस्टीट्यूट आ रहे थे उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इस सिलसिले में कोंदापुर MLA श्रीनिवास शेट्टी, एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश से बात किए। इसके अलावा मुस्लिम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से गुजारिश की गई कि उनके लड़कियों को बिना हिजाब इंस्टीट्यूट भेजे, लेकिन पेरेंट्स ने एक ना सुनी, जिसके बाद हिंदू स्टूडेंट्स ने मिलकर सैफ्रन शॉल पहनकर हिजाब के खिलाफ एहतजाज किए और मांग किए कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हिजाब को बैन कर दे। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।